It's allowing people to focus on the fun, on the music, on the... दोस्तों, मीडिया का काम होता है जनता तक खबरें पहुंचाना, और खबरों की कवरेज के लिए मीडिया हाउसेस रिपोर्टर्स को अपॉइंट करते हैं, जो लाइव और डी लाइव आकर रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन कई बार लाइव रिपोर्टिंग के दौरान कुछ ऐसी चीजें घट जाती हैं, जिनके कारण पब्लिक की हंसी छूट जाती है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं लाइव रिपोर्टिंग फनी मोमेंट्स। इस वीडियो को देखकर आपको बड़ा मजा आने वाला है, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। आप हंसते हंसते लोटपोट ना हो जाओ तो कहना। ये वीडियो शुरू करने से पहले हमारे नए व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मीडिया की नौकरी बहुत टफ मानी जाती है, जहां मिस्टेक को क्राइम माना जाता है, और लाइव में तो गलती हो जाने पर रीटेक भी नहीं होता। ऐसे में लाइव के दौरान बहुत संभल कर काम करना पड़ता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये एंकर न्यूज रीडिंग कर रही है, तभी हवा में उड़ रही एक मक्खी उसके मुंह में चली जाती है। लेकिन लाइव के दौरान ये एंकर चाहकर भी रुक नहीं सकती थी, ऐसे में उसे मक्खी को निगलना पड़ा। What? भले ही आपको एंकर की हरकत पर हंसी आ रही होगी, लेकिन फैंस ने उसके इस डेडिकेशन की खूब तारीफ की। ARYE रिपोर्टर अदनान तारिक की रिपोर्टिंग का ये वीडियो कोरोना के टाइम का है, जब एक दिन में हजारों लोगों की मौत कोरोना के कारण होती थी। ये पत्रकार बिना मास्क के रिपोर्टिंग कर रहा होता है, ऐसे में इनके पेट्रोल की कमी को लेकर सवाल का जवाब इस बंदे ने दिया। उसे सुनकर पत्रकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ शहरी हमारे साथ है जी, मजमुई तौर पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं पेशावर में पेट्रोल पंपों पर? पेशावर में तो बहुत बुरी हालत है, किसी पेट्रोल पंप पे ऑयल नहीं मिल रहा। मैं जो हूँ, मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। एक न्यूज रिपोर्टर द्वारा तूफान का कवरेज कॉमेडी में बदल गया। खराब मौसम को देखते हुए रिपोर्टर ने बाहर घूम रहे लोगों को देखकर सवाल पूछा कि वो तूफान में बाहर क्यों घूम रहे हैं। इस पर उस बंदे ने जो जवाब दिया वो आपको लोटपोट कर देगा। आप निकले इसलिए तो हम निकले ना, हम लोग तो खबर दिखा रहे हैं ना, इसलिए हम नहीं निकले तो आप किसको दिखाएंगे? यहाँ तो एक चैनल के एंकर ने स्टूडियो को ही ग्राउंड जीरो बता दिया। वो हाथ में छतरी लेकर ऐसे एक्टिंग करने लगी जैसे मौके पर मौजूद हो। चैनल के इस एक्सपेरिमेंट के चलते लोगों ने एंकर की खूब हंसी उड़ाई। चुप, बिल्कुल चुप। अभी मैं आपको पानी में कूद के बताऊंगा, पानी में कूद के मैं आपको पानी का। कराची में तो एक रिपोर्टर मौसम की जानकारी देते हुए पानी में ही कूद गया। ये वीडियो आप भी देखेंगे तो लोटपोट हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर हमारा टारगेट है कि इसे कम से कम 2000 लाइक्स तो जरूर मिलें। अगर हम लोग मिलकर इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो हम आपके लिए लाएंगे इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो अभी इसी बात पर ठोक दीजिए अपना लाइक। MIR TV की ये महिला पत्रकार लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी कैमरे के सामने अचानक एक कुत्ता माइक छीनकर भागने लगता है। ये देखकर महिला पत्रकार कुत्ते के पीछे अपना माइक वापस लेने के लिए भागने लगती है। ये सब लाइव टीवी पर चल रहा होता है। ये फनी वाक्य देखकर लोगों की हंसी छूट गई। आपको पाकिस्तानी पत्रकार चांद नवाब याद है, जिसकी मजेदार रिपोर्टिंग बजरंगी भाईजान फिल्म में भी दिखाई गई थी? उनकी फनी रिपोर्टिंग देखकर दुनिया लोटपोट हो गई थी। हम उसी चांद नवाब का एक और वीडियो आपको हंसाने के लिए लाए हैं, देखिए और दिल खोल कर हंसिए। मियां शहबाज शरीफ का पान के और कराची पर के मियां शहबाज शरीफ का कराची में पान के ऊपर बयान के बाद कराची के अवाम सियासतदान मियां शहबाज शरीफ के पान कराची पर कराची की अवाम में गम और गुस्सा पाया जाता है। उनका कहना है कि पान हमारी सकाफत है। कैमरामैन अंबार खान के साथ चांद नवाब 92। चांद नवाब की तरह ही पाकिस्तान के एक और रिपोर्टर अमीन हफीज इन दिनों वायरल हैं। अमीन वही रिपोर्टर है जो अपनी रिपोर्टिंग स्टाइल के चलते वायरल रहते हैं।
यहाँ तो उन्होंने हद ही कर दी, जो लाइव शाही बादशाह बनकर रिपोर्टिंग करने लगे। हमारे शाही बावर्ची खाना में शादी किसने रचाई, सजा मिलेगी। कैमरामैन अशरफ ननकानवी के साथ अमीर हफीज, जियो न्यूज, लाहौर। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। न्यूज रिपोर्टिंग सबसे गंभीर कामों में से एक काम है, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार इसे कॉमेडी समझते हैं। तभी तो पाकिस्तानी पत्रकार गधे पर बैठकर पीटीसी देने लगे। वाले लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। गजब बेइज्जती है। अमेरिका में एक लेडी रिपोर्टर इस इवेंट की लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी एक अनजान आदमी आया और सारा को चूम लिया। कहां से आते हैं ऐसे लोग। मॉस्को के CSKA स्टेडियम में स्प्रिंकलर चलाए हुए थे, वहीं से रूसी रिपोर्टर पिच की अपडेट दे रहा था। तभी पानी का फवारा घुमा और रिपोर्टर को तर बतर कर दिया। इस रिपोर्टर का तो मोय मोय हो गया। यहाँ ये रिपोर्टर किसी ऐसे ब्रिज के बारे में जानकारी दे रहा है जिसकी हालत काफी खस्ता है। इसकी शुरुआत ही ऐसी टूटी फूटी अंग्रेजी में होती है कि किसी की भी हंसी छूट जाएगी। पानी को देख के ना मुझे एक शेर याद आ गया, बिग रेनी कमिंग, बिग वाटर कमिंग, लिटल रेनी कमिंग, लिटल वाटर कमिंग। ये क्या है? सो फ्रेंड, दिस वीडियो, दिस वाटर, बिग वाटर, एंड आई एम गो टू रनिंग टुबकी। मैं इसमें टुबकी लगा के थोड़ा नहाऊंगा और एंजॉय करूंगा। हैप्पी रेनी डे एंड बोध डे एंड सैलाब डे, हैप्पी सैलाब डे, थैंक यू। अरे कहना क्या चाहते हो? On the border, their concern is that they want. यहाँ न्यूज रूम में कॉटनी कॉप नाम की ये जर्नलिस्ट लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी। तभी उनका बेटा वहाँ आ जाता है और अपनी माँ से कुछ कहने की कोशिश करने लगता है। लाइव में बेटे के आ जाने से कॉटनी डिस्टर्ब हो जाती है और सॉरी कहते हुए बताती है कि वो मेरा बेटा है। Excuse me, my kids are here. देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कई बार कुछ लोग जानबूझकर रिपोर्टर्स को परेशान करने लगते हैं, जैसा कि यहाँ एक रिपोर्टर के पीछे खड़ा ये आदमी कर रहा है। यहाँ ये रिपोर्टर लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है, वहीं उसके पीछे खड़ा ये शख्स अजीबोगरीब हरकतें करके उसके काम में खलल डाल रहा है। उसकी ये हरकत टीवी में लाइव चल गई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? चिड़ियाघर की शान कावन। यहाँ ये पाकिस्तानी रिपोर्टर एक हाथी के सामने पीस टू कैमरा कर रहा था, तभी हाथी ने एक मजेदार हरकत कर डाली। इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।